हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है टेस्ट क्विज में। आज की क्लास में हम फिर एक नया टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, पहले तो मैं आप लोग को ये बता देती हूँ, अगर दो वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर अगर निकालने को बोला जाए, ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग, क्या फॉर्मूला लगाओगे? D इज इक्वल्स टू पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैसा फॉर्मूला है आपका? ये फॉर्मूला है आपका जब दो वर्ष का दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। ठीक है, अगर यही 3 वर्ष का दे दे तो सिंपल इंटरेस्ट का अंतर अगर ऐसा देगा तो आप क्या करोगे, सेम फॉर्मूला पी आर बाई 100 का स्क्वायर। सेम फॉर्मूला थोड़ी ना होगा, है ना, तो सेम ही हो जाएगा इसमें, बस आपको 300 प्लस आर बाई 100 ये करना है। इजी है, इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, 2-4 बार थोड़ा देखिए, रिमाइंड कीजिए, लिखिए, याद हो जाएगा। ठीक है, अगर जल्दी से बनाना है क्वेश्चन तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं और आपको ये याद रखना है, इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर 2 वर्ष का बोलेगा तो डी इज इक्वल्स टू पी क्या है यहाँ पर, मूलधन है, आर क्या है यहाँ पर, दर है। ठीक है, बाकी ये तो डी फॉर डिफरेंस, अंतर को ही बता रहा है, कोई डिफरेंस वो नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है क्या। चलिए इसको नंबर आउट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, किसी धन का 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट और ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, 2 वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट तथा सिंपल इंटरेस्ट का अंतर जो है वो 40 है, तो वह धन क्या है, पी निकालने बोला गया है। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है, 40, दर दिया हुआ है कितना, 10%, और P की वैल्यू आपको यहां पर निकालने को कही जा रही है, तो चलिए निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, तो D की वैल्यू क्या हो गई, 40। ठीक, P की वैल्यू हमको निकालनी है एज इट इज, R की वैल्यू 10 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ये जो 10 है, ये 40, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, P ये 1/10 है, 2 बार मल्टीप्लाई होगा 10 × 10, अब ये दोनों 10 100 इधर जा चले जाएंगे और P की वैल्यू आ जाएगी 4000 रुपये। ठीक है, बहुत इजी है, अगर आप लोग को फॉर्मूला पता है तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, बस आपको अंतर ध्यान में रखना है कि 2 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले को पुट कीजिए, मूलधन निकालिए, दर निकालिए और अंतर तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, वह धनराशि ज्ञात करें जिसका 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, ये चीज हमेशा देखना, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 180 है। ठीक है, तो यहीं पे आपको मेन चीज पकड़ना कैसे है क्वेश्चन को, कि किस टाइप से बनाना है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग और यहाँ पे देखेंगे कि 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 180 दे दिया है। ठीक है, D इज इक्वल्स टू 180, R की वैल्यू 12%, फॉर्मूला लगाते हैं और P की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो D की वैल्यू मैंने 180 रख दी, P तो एज इट इज है भाई, वही निकालना है, और ये 12/100 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब क्या, ये नहीं होता कि इसका 2 बार मल्टीप्लाई हो जाए, बिल्कुल होता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, चलो पूरा इसको ट्रांसफर ही कर लेते हैं, ये P है। ठीक है, तो ये 180, ये 100 ऊपर गया, ये 100 भी ऊपर गया, और ये जो दोनों 12 है ये यहाँ पे नीचे आ गए हैं। ठीक है, टेबल पढ़े, 6 का टेबल पढ़ते हैं, 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18, 6 का 12 फिर से पढ़ते हैं, 6 × 2 = 12 और 6 × 5 = 30। ठीक है, ये कितना, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 4 से ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 25 × 5 कितना होता है, 125 होता है,
125 और ये जो 100 बचा हुआ है तो 00 लगा दीजिए और ये आ गया आप लोगों का आंसर कि मूलधन की वैल्यू हो गई, ठीक है, 12,500 रुपए। क्लियर, बहुत इजी है। चलिए अब देखते हैं कुछ और किस टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 क्या है। क्वेश्चन 3 ये हमने 1-2 सॉल्व कर लिया। 10,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से दो वर्ष के लिए फिर से आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा। यहाँ पर आपको डिफरेंस ही निकालने बोल रहा है, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10,000 रुपए, ठीक है, और आर की वैल्यू दी हुई है 5%, है ना। फॉर्मूला लगाते हैं और अंतर निकालते हैं, ठीक है। तो D is equals to क्या हो गया, P की वैल्यू है 10,000, R into 100 का डबल, तो मैं दो बार लिख रही हूं भाई इसको, ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको डबल भी लिख सकते हैं अपन। ये दो जीरो कैंसिल, तो ये जीरो जीरो भी, ये दो जीरो, तो ये दो जीरो भी कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 25, 5 5s are 25, तो इन दोनों का अंतर आ गया 25। ये हो गया आप लोगों का आंसर, इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। वह धनराशि ज्ञात करें जिसका 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, देखो यहाँ पर 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 620 रुपए हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, अब हम लोग को पी की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन 3 आपको 4 हम देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें, डी दिया है डिफरेंस 620 और दर दिया हुआ है आर इज इक्वल्स टू 10। पी की वैल्यू निकालनी है लेकिन 3 वर्ष वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि ये है, डी इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, 300 प्लस आर इंटू 100। डी की वैल्यू रख दूं मैं यहाँ पर 620, ठीक है। पी की वैल्यू तो निकालनी है तो कुछ नहीं करेंगे, आर को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, दो बार लिख रही हूँ 100 इंटू 100, ठीक है, 300 प्लस आर, तो 310 लिख दूँ, ठीक है, 300 प्लस 10 310 ही होगा ना, और ये हो गया 100। चलिए पी को पूरा इधर ट्रांसफर ही कर लेते हैं, पी है यहाँ पर और ये 620 इधर गया, 100 इधर गया, 100 ये भी 100, ठीक है। नीचे में ये 10 10 क्या बना दिए, 100 और ये 310, ये 10, ये 100 से ये 100 को कैंसिल कर दो, 310 के टेबल में दो बार में ये आता है 620, ठीक है, और कितना जीरो है इसको लगा दो भाई, 2 1 2 3 4 20,000, ये इसका आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो वो मूलधन की वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपए वो मूलधन की वैल्यू है, बस फॉर्मूले को देखिए और याद रखिए, क्लियर हुआ। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या है आपका फाइनल क्वेश्चन, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। 4,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए, देखो 2 वर्ष ही बोल रहा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट एवं सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 40 रुपए है, तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी। ब्याज की दर हम निकाल लेंगे, हम लोग मूलधन निकालना सीख गए, ठीक है, अंतर निकालना सीख गए, ब्याज की दर भी निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 5, ठीक है, पी की वैल्यू दी हुई है, मूलधन कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपए, ठीक है। 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, मतलब कि डी की वैल्यू दी हुई है 40, और बताइए ब्याज की दर क्या होगी, आर की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, डी की वैल्यू 40, ये मैंने 4,000 रुपए लिख दिया, R का स्क्वायर है और यहाँ पे मैं 100 को दो बार लिख देती हूँ, ठीक है, इजी। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया, 4 10s are 40, एक जीरो यहाँ पे आके R स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 into 10, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो या फिर 100 root 100 किसका वैल्यू है, 10 की वैल्यू है, या फिर आप इसको रूट को ट्रांसफर कर दोगे तो भी 10 आ जाएगा।
तो कितना प्रतिशत आ गया दर, आर की वैल्यू आ गई 10%। इस तरह से हमने ये जो टॉपिक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये हमने कवर किया। आप ध्यान में रखेंगे कि दो वर्ष का अगर सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है तो डी इज इक्वल्स टू पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, और वहीं अगर वो तीन वर्ष के लिए बोल देता है तो डी इज इक्वल्स टू पी अपॉन सॉरी पी इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू में 300 प्लस आर अपॉन 100। क्लियर, बहुत इजी है ये क्वेश्चंस, बस आपको इसका वो याद रखना है। ठीक है, हम एक एक टाइप को एक एक वीडियो में कवर करते हैं ताकि जो क्लैरिटी है, ठीक है, किसी भी टॉपिक से किसी भी टाइप से बनी रहे और हम हमारे जो एग्जाम में है, ठीक है, वो क्वेश्चन हमें फट से क्लिक करें कि हाँ मैम ने इस वीडियो में ये टॉपिक को बताया था, ये टाइप बताया था और इसको इस तरह से अप्रोच करना है। आई होप ये क्लास क्लियर हुई। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टाइप के साथ, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।